डाली फूलों की, तुझको बुलाए थे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर थे वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वा से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले आप लोगों को अभी का मौसम दिखा देती हूं। डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए। और आज का ना हमारी गेहूँ और जौ की बुआई शुरू हो गई है। तो अभी मैंने नाश्ता भी बना दिया है, और मेरी मम्मी मेरे पापा चले गए थे सुबह खेतों में, तो मैंने अब जाना है रोटी लेके। और अभी मैंने सारी चीजें बना दी हैं, और अब सिर्फ मैंने रखना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती, उसके बाद मैं खेत के लिए रोटी रख देती हूँ और आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी मैंने खेत के लिए रोटियाँ भी रख दी हैं और सारी चीज़ें रख दी हैं, पानी वगैरह बैलों के लिए भी। और अब जाने की तैयारी है साथ में, और साथ में ना जो की रोटी है वो भी मैंने साथ में रख रखी है। तो जो को भी मैं आज ना खेती में दूंगी रोटी, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा उसको खाने में, और मैं चली जाऊँगी तो वो भी रोटी नहीं खा पाएगा, सीधा आ जाएगा, इसलिए उसकी रोटी मैं साथ में ले जा रही हूँ। और तो चले फ्रेंड, मैं चलती हूँ अब, और आप लोगों को मिलती हूँ सीधा खेत में, और मैं भी सीधा खेत में करूँगी ना। और वहाँ पे जो भी भाग गया है मुझसे पहले, तो चले फ्रेंड चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं सीधा खेत में। वैसे तो पहाड़ों में हमेशा काम ही रहता है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ ना दिसंबर तक, यानी नवंबर लास्ट तक, दिसंबर फर्स्ट तक बहुत ज़्यादा काम है। तो आजकल बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, घर में एक तरफ से काम लगा हुआ है, कभी कुछ और साथ में है। आजकल हमारी हो गई है गेहूं और जौ की बुआई शुरू। तो अभी हम आ रखे हैं गांव के ऊपर वाले खेतों में। तो इस खेत में ना हल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, और ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसमें हल लगाना बहुत टफ हो रहा है, और इसमें मिट्टी के बड़े बड़े गोले निकल रखे हैं, और यहाँ पे मिट्टी के बहुत बड़े बड़े गोले निकल रखे हैं, जिसे हमारे पहाड़ में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ढिकर लगी हो। और ये देखिए यहाँ पे फूटी हुई रही, इनको बहुत ज़्यादा टाइट हो रखे हैं। अभी हमने दो खेतों की बुआई कर दी है, और अब जा रहे हैं तीसरे वाले खेत में। तो अभी मैं इनको लेके जा रही हूँ। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, चारों तरफ धुंध ही लगी हुई है, और आसमान में पूरे बादल छा रखे। तो यहाँ पे जो हमारे बैल हैं, ये जाने का बिल्कुल दूसरे खेत में नाम नहीं ले रहे, और चरने पे लगे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला खेत था उसमें बहुत ज़्यादा आफत आई इनको हल लगाने में, और शायद इनको भी भूख लग गई होगी अभी। तो ये ना चरने पे लगे हुए हैं, हमें हाँक भरी ना तभी भी नहीं जा रही। चलो रे, वाले खेत में हमने बो दिए हैं जौ, और नीचे वाले खेत में बोएंगे गेहूँ। और अभी मेरी मम्मी सरसों बो रही है, और ये हो रही है सरसों की बुआई। गेहूं के साथ ना हम सरसों भी बोते हैं एक साथ में, और वहाँ पे कबाड़ हो रखा था, तो मेरी भाभी जी वहाँ पे उसको जला रही हैं, बो जिसे हमारे पहाड़ में बोलते बो, ए बो। और भाभी जी को ना हमारे पहाड़ में बोलते हैं बो, तो हम घर में बो बोलते हैं, भाभी जी तो हम ऐसे बोलते हैं कभी कभी। यहाँ पे देखिए सारी गोबर के कंडिया फेंक रखे हैं। तो पहले ना
ऐसे फेंका जाता था, गोबर की कंडी जैसे ही लवाई होती थी उसके बाद सीधा गोबर फेंकते थे और उसके बाद फिर बोते थे। लेकिन अब ना कोई ऐसा नहीं कर रहा और अब ऐसा लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिसको टाइम लग रहा वही फेंक रहे, बाकी सारे लोग ना पहले बो दे रहे और उसके बाद ना फुर्सत से जब सर्दियों में कुछ काम नहीं रहता शाम शाम को एक एक दो दो कंडी गोबर के और तब फेंकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काम भी ज़्यादा नहीं रहता है, सिर्फ एक ही काम रहता है शाम के टाइम पे एक एक कंडी गोबर फेंकना। तो अब लोग ऐसे कर रहे हैं और पहले ज़माने में तो ऐसे ही होता था, पहले गोबर की कंडी ना सारे खेत और पहले ना सबके खेतों में ऐसी गोबर की कंडी देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा चेंज हो गया। अभी दोपहर की 12 बज चुकी है, तो आज हमने ना पूरे 4-5 खेतों की बुआई की, तो आज ना हम इतना ही बुआई करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं घर, तो मेरी मम्मी और पापा लोग सारे आगे चले गए हैं, भाभी और मैं जा रही थी गौशाला में घास देने के लिए। और तो अभी मैं भी जा रही हूँ घर, और अभी घर में बहुत सारा काम है। तो आज ना मौसम सुबह से बिल्कुल ख़राब हो रखा था, गुमसुम हो रखा था, बादल इतने छा रखे थे और इतने काले काले, ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश होने वाली है। लेकिन जैसे ही 7 बजे सुबह में, तो उस टाइम से थोड़ा आसमान खुल गया था और धूप भी लगी हुई थी, फिर भी इस टाइम पे फिर वैसे हो गया है और बारिश आने जैसा मौसम बन गया है अभी भी। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं शाम को। और ना इस बार ना बुआई करने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई इस साल, तो लगातार बारिश होने की वजह से जो ज़मीन की मिट्टी है ना बिल्कुल टाइट हो गई है, और उस पर ना सब पे इतनी ज़्यादा आफत आ रही बैलों पे, तो इस वजह से ना इस बार ना बुआई करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, और साथ में ना हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो मिट्टी के गोले हैं ना उनको तोड़ने तोड़ने पे, तो हमारे पहाड़ में बोलते हैं ना जैसे हल लगाते हैं, तो जब खेतों में हल लगाते टाइम पे ना मिट्टी का बड़े बड़े जो गोले होते हैं वो आते हैं, तो हमारे पहाड़ में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ढिक्का लग गया, तो उसको बोलते हैं ढिक्का, तो उनको तोड़ना है, तो उनको तोड़ने में ना बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द हो रहा है, और ऐसे ही बैलों पर भी और जो हल लगाते होंगे उन पर बहुत ज़्यादा आफत आती होगी। अभी यहाँ पे प्रियांशी लोग भी आ गए हैं, और प्रियांशी के हाथ में कुछ दिख रहा है मुझे, लंबा सा बड़ा सा, तो शायद प्रियांशी कुछ ला रही है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रियांशी आज क्या ला रही है। नमस्ते। छुलिया, अच्छा तो आने में कुछ तकलीफ तो नहीं है चारों को? नहीं, लौकी की किसी और लौकी के लिए और उसके लिए मांग के लिए मांग। अच्छा चल ठीक है फिर है, धन्यवाद प्रियांशी। ये प्रियांशी तो यहाँ पे लौकी लेके आ गई है। हाँ, आपके लिए है ना? मेरे लिए है। हाँ। किसके लग रखी है? आराध्या के। हमारे। तुम्हारे? हाँ। कितने लग रखे लौकी? ऐसे कंदी बात क्या है वो तेरी मम्मी है? तेरी दीदी है वो? दीदी क्या है? मेरी दीदी है। तुमने तो यहाँ और ये लौकी आज प्रियांशी लाई है मेरे लिए, तो प्रियांशी लोग बहुत सारे लौकी लगी हुई है इस बार, तो एक लौकी आज ना प्रियांशी मेरे लिए भी ला गई है, तो काफी बड़ा हो रखा है ये वाला लौकी। अभी शाम की 5 बज चुकी है, तो मैं आ गई हूँ अभी खेत में, और यहाँ पे मेरी मम्मी पहले से आ रखी थी, तो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा चौलाई भी काट दी है और एक दो पुआ घास का भी बना दिया है, और यहाँ पे ना मेरी मम्मी को किसी ने पता नहीं इसमें मिठाई दे रखी है, तो अब मैं इसको खाऊंगी सीधा घर में चाय के साथ। और ये है लड्डू। और है इसमें 2-4 पीस, पता नहीं क्या क्या है, तो इसको खाएंगे सीधा घर में। और अभी करते हैं थोड़ा काम, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है, हमने बनाना है सीधा 2 भारी घास, तो चलिए फटाफट से हम अपने काम पे लग जाते हैं। और तुझको बुलाए
चले फ्रेंड आज की ये वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चले फ्रेंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर।